नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरओ एआरओ 2021 भर्ती की कब तक पूरी होगी, आरओ एआरओ 2022 नोटिफिकेशन की कब जारी होगा, पीसीएस जे नोटिफिकेशन की आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है, लोअर पीसीएस एएसओ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कराने की मांग फिर से उठी है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से पीसीएस की। वे सभी अभ्यर्थी सुपर कोचिंग में जाकर के 399 रुपए में 16 महीने की वैलिडिटी वाला जो ये कोर्स है इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 12 प्लस ये 4 मंथ सब्सक्रिप्शन 16 महीने का है, 499 रुपए वाला 399 रुपए में मिल रहा है। और इसके लिए आपको कोड यूज करना है TWP20। सुपर कोचिंग का ये जो ऑफर है वो 18 और 19 अगस्त के लिए है। इसके बारे में पहले भी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर बहुत सारे जो बड़े टीचर हैं वो उपलब्ध हैं। यहाँ पर रवि प्रकाश आज़ाद को आप लोग जानते होंगे, हरप्रीत सिंह जी को जानते होंगे, आनंद श्रीधरम को जानते होंगे। इनके द्वारा आपको जो क्लासेस करवाई जाएंगी सुपर कोचिंग में, मैं यहाँ पर देख सकते हैं सभी कोर्स हैं, फुल कोर्स भी हैं, ऑप्शनल कोर्स भी हैं, NCERT और स्पेशल कोर्स भी उपलब्ध हैं, SA और CSET की भी तैयारी करवाई जाती है। वहीं पर UP स्पेशल के लिए अलग स्पेशलिस्ट टीचर हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अभिषेक मिश्रा हैं और यहाँ पर एक और टीचर है राहुल कुमार सिंह है UP स्पेशल इकोनॉमी के लिए। इसी तरीके से UP स्पेशल हिस्ट्री के लिए यहाँ पर लिखा अनादि कुमार गौतम है। तो लाइव क्लासेस भी मिलेंगी आपको, PDF भी मिलेगा आपको, आपको मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज में भी हिस्सा लेने को मिलेगा। और इसकी जो वैलिडिटी है मैंने पहले आप लोगों को बताई है कि लगभग 1.5 साल की वैलिडिटी। तो अगर आप लोगों को इसे ज्वाइन करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग इस जन्माष्टमी सेल ये जो ऑफर इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आपको आज की सूचनाओं को। और यहाँ पर जो पहली सूचना है आरओ एआरओ 2021 जल्द जारी होगी नोटिस। बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में लगातार पूछ रहे हैं कि आरओ एआरओ का जो मेंस हुआ था उसका परिणाम कब तक आएगा। परिणाम के पहले होनी है टाइपिंग, प्रयागराज में होगी और लोक सेवा आयोग की जो टाइपिंग है वो यही शंभुनाथ इंजीनियरिंग कॉलेज झलवा में ही होती है। और अगले हफ्ते आरओ एआरओ 2021 की जो टाइपिंग की नोटिस है वो जारी हो सकती है, पूरी संभावना है। इसी महीने लास्ट में या 15 सितंबर के पहले की जो तारीखें हैं वो घोषित की जा सकती हैं, यानी कि नोटिस तो अगले हफ्ते जारी होगी और टाइपिंग आपकी 15 सितंबर के पहले हो सकती है। कुर्ती देव 1.0 यानी कि 010 फंट पर टाइपिंग होती है, हिंदी टाइपिंग होगी और केवल उन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा जिन्होंने दावा किया है ओ लेवल या उसके समकक्ष का। इसके बाद में जो अगली सूचना है, नवंबर में जो फाइनल परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा आरओ एआरओ 2021 का, नवंबर के महीने में। और दिसंबर या जनवरी में जो है इसके बाद जो ज्वाइनिंग इत्यादि की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। अब हम लोग बात कर रहे थे आरओ एआरओ 2022 नोटिफिकेशन, इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकारी दी थी कि आरओ एआरओ का जो नोटिफिकेशन है वो बाउंड्री में है, दिसंबर में भी आ सकता है, जनवरी और फरवरी में भी आ सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये कहना था और ये रहता है कि जब तक कुछ पद ना हो जाए तब तक विज्ञापन ना निकाला जाए। और अब जानकारी ये मिल रही है कि अधियाचन आरओ एआरओ के आने लगे हैं और काफ़ी पदों का अधियाचन आ चुका है। पहले 40-42 पदों का अधियाचन आया था, उसके बाद में लगभग 80 पदों का अधियाचन और आया है और लगभग 150 पद हो रहे हैं। अभी जो सचिवालय में प्रमोशन हुआ उसका अधियाचन नहीं पहुंचा है, जैसे वो अधियाचन अगले 1 या 1.5 महीने में पहुँच जाएगा वैसे ही पूरा बना बनाया प्रारूप आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। यानी कि प्रबल संभावना है कि इसी साल, पहले तो ये था कि इस साल विज्ञापन आएगा कि 2023 में विज्ञापन आएगा, लेकिन अब जो है इसकी प्रबल संभावना है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो इसी साल जारी हो जाएगा, यानी कि दिसंबर के महीने में आरओ एआरओ 2022 नोटिफिकेशन जारी होने की प्रबल संभावना है। क्योंकि प्रमोशन का जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है और बस केवल अब अधियाचन लोक सेवा आयोग आना है। जैसे ही 250 से ज्यादा पदों का अधियाचन हो जाएगा वैसे ही लोक सेवा आयोग इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर देगा। और अगर जल्दी ये काम हो गया तो हो सकता है कि नवंबर के महीने में ही इसका विज्ञापन जारी हो जाए, नवंबर या दिसंबर में आपका जो विज्ञापन है वो जारी होने की प्रबल संभावना है। बात हो रही पीसीएस जो नोटिफिकेशन की, जो भी बदलाव होने थे सारे सब कुछ बदलाव हो चुकी है। जो लैंग्वेज वाला मामला था उसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी भी प्रदान कर दी है, हिंदी और इंग्लिश वाला दोनों के नंबर मिलेंगे। लेकिन अब बात यह है कि ये जो भर्ती है होती जरूर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, लेकिन वो
होती है हाई कोर्ट के अंडर में। हाई कोर्ट से अभी कुछ चीजें रुकी हुई हैं, तो दिव्यांग आरक्षण वाला जो मामला है वो भी क्लियर हो चुका है। लोक सेवा आयोग का कहना है कि हमारी तरफ से बिल्कुल भी देरी नहीं है, जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से क्लियरेंस मिल जाएगा वैसे ही हम इस भर्ती के जो विज्ञापन है वो जारी कर देंगे। यानी कि जो परीक्षा में जो बदलाव होना था मुख्य परीक्षा में वो बदलाव हो चुका है, जो आरक्षण वाला मामला था जिसकी वजह से रुकी हुई थी वो भी समाप्त हो चुकी है। अब इस भर्ती में केवल और केवल जो देरी हो रही है वो हाई कोर्ट की वजह से हो रही है, और इसलिए ये कहा जा रहा कि जिस भी दिन हाई कोर्ट की तरफ से आर्डर आ जाएगा, आदेश आ जाएगा, जो भी चीज़ें हैं क्लियर हो जाएंगी, हम इसका विज्ञापन है वो जारी कर देंगे। इतना तय है कि PCSJ का जो विज्ञापन है वो इस साल आपका ज़रूर आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और अभी हाई कोर्ट की बात है तो हाई कोर्ट के बारे में कोई ये नहीं बता सकता है कि किस तारीख को या किस महीने कब इसके जो नोटिफिकेशन है जारी हो जाएगा। ये बताया जा सकता है कि हाँ कहाँ पर समस्याएँ हैं और इस समय स्थिति क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जो सारी समस्याएं वो समाप्त हो चुकी हैं, अब बस केवल हाई कोर्ट की तरफ से कुछ चीज़ें हैं, जैसे वो क्लियर हो जाएंगी वैसे जो विज्ञापन वो लोक सेवा आयोग जारी कर दे। बात हो रही है लोअर PCS ASO और जो 4200 ग्रेड पे की जितनी भी भर्तियाँ हैं वो सभी भर्तियाँ लोक सेवा आयोग से करवाने के लिए फिर से मांग की गई है। ये मांग पहले भी की गई थी, कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे गए हैं, कई बार ईमेल की गई हैं और ये इसके लिए लोक सेवा आयोग में ज्ञापन भी दिया गया है। लेकिन विद्यार्थियों का अब ये कहना है कि हमने देख लिया है पिछले कई सालों से कि UP SSC से ना तो ASO की भर्ती पूरी हो पा रही है, ना ही अकाउंट ऑडिटर की भर्ती पूरी हो पा रही है, और लोअर के विद्यार्थी इनकी भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। ये तीनों के तीनों जो भर्तियाँ वो पूरी नहीं हो पाई। इसी तरीके से JEE इत्यादि की जो भर्तियाँ वो सभी भर्तियाँ अब लोक सेवा आयोग को पुनः दे देनी चाहिए, जिससे UP SSC का भी बोझ कम हो सके, वो भी अपनी भर्तियाँ जो समूह के अन्य भर्तियाँ VTO लेखपाल और भी बहुत सारी ये भर्तियाँ पूरी कर सकें। और UPSC के पास चूँकि पर्याप्त संसाधन है, वो पहले भी ये भर्तियाँ करवाता था और ये जो भर्तियाँ वो समय से पूरी हो सकें। यहाँ पर देख सकते हैं ट्विटर के माध्यम से विद्यार्थी आज लगातार ये मांग उठा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है SB सिंह है कोई, और UP SSC से लोअर ASO JEE की वैकेंसी फिर से UPSC से करवाई जाए, तभी ये भर्ती समय से हो पाएंगी। UP SSC के बस का नहीं है, CM उत्तर प्रदेश मुझे भी टैग किया है और मैं योगी आदित्यनाथ। और विद्यार्थियों के समर्थन में मैंने भी यहाँ पर देखिए ट्वीट किया है और लिखा कि UP SSC कार्य प्रणाली और अब तक के कार्य की समीक्षा आवश्यक है। छात्रों की मांग जायज है कि ASO JEE सहायक कोषागार लेखाकार 4200 ग्रेड पे की और भी जितनी सारी भर्तियाँ हैं सब लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से करवाई जाए, ताकि समयबद्ध तरीके से भर्तियाँ पूरी हो सकें। और अंत में एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि 25 अगस्त को विद्यार्थी लखनऊ जा रहे हैं सहायक लेखाकार और ऑडिटर भर्ती के, चूंकि इसके लगभग 1900 पदों का जो अधियाचन वो UP SSC में आ चुका है। और UP SSC मेरे पास एक पत्र है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि इसका जो अधियाचन है वो भेजा जा चुका है। जो मैंने आप लोगों से बताया था कि लगभग 22 भर्तियों के अधियाचन UP SSC भेजे गए हैं वो गलत नहीं है, वो 100% सही है। समय समय पर मैंने आप लोगों को बहुत सारे पत्र दिखाए भी हैं, चाहे वो JEE की पदों का हो या अन्य पदों का हो। यहाँ पर देख सकते हैं जब जानकारी मांगी गई थी कि सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन नियुक्ति के संबंध में, तो यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि निदेशक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षक उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि सहायक लेखाकार के रिक्त 1068 और लेखा परीक्षक के 241 पदों का अधियाचन निदेशालय के पत्र दिनांक 18 अक्टूबर 2021 लगभग 6-7 महीने पहले या एक साल आप कह सकते हैं, लगभग एक साल पहले ही उत्तर प्रदेश जनसेवा चयन आयोग लखनऊ को भेजा गया है। निदेशक आंतरिक लेखा एवं लेखा उत्तर प्रदेश द्वारा सहमति व्यक्त की गई है कि आयोग को अनुस्मारक पत्र भेजा जाए। आयोग से विभाग भी परेशान है, वहाँ पर कर्मियों की इतनी ज़्यादा कमी है कि रिमाइंडर भेजने पड़ रहे हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि लेखाकार ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के रिक्त पदों के सापेक्ष सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु शासन से अनुमति प्राप्त करने की कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई के बारे में तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा पत्र है भर्ती के बारे में, बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर मांगी गई हैं। ये देखिए अनापत्र, तो ये आपको ये चाहिए जो पत्र वगैरह है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और वहाँ पर इस तरह की नोटिस वगैरह पहले ही भेज दी जाती हैं। तो यहाँ पर पदों के बारे में जानकारी दी गई है कि कितने ज़्यादा पद हैं विभाग में और क्या चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए ये विद्यार्थी जहाँ पर एक तरफ ये मांग कर रहे हैं कि भर्तियाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से हों, वहीं पर जो अधियाचन आ चुके हैं उनका जल्द से जल्द विज्ञापन UP SSC तरफ से जारी होना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।